दोस्तों इस वीडियो की रिक्वेस्ट ताज मोहम्मद हैदराबाद इन्होंने की है, जो रूट है हावड़ा से विशाखापट्टनम। इसी रूट के टॉप 10 रेलवे स्टेशन जानेंगे हम इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोहाई पर। इस चैनल पर नए और इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो के अंदर चल के आज कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों हावड़ा से विशाखापट्टनम रेल लाइन टोटल 881 किलोमीटर की है, जिसे ट्रेन मिनिमम 12 घंटों में और मैक्सिमम 16 घंटों में तय करती है जर्नी। इस लाइन पर टोटल 43 ट्रेन चलती है और 200 तक सारे मिलाकर रेलवे स्टेशन आते हैं इस लाइन पर। ये रेलवे रूट वेस्ट बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य से जाता है। ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईस्ट कोस्ट रेलवे सारे रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करते हैं अलग अलग डिवीजन के साथ इस लाइन के सारे रेलवे स्टेशन को। तो चलिए दोस्तों जानते हैं टॉप 10 की लिस्ट बॉटम से लेकर टॉप तक। नंबर 10 भद्रक रेलवे स्टेशन। दोस्तों ये ओडिशा राज्य का रेलवे स्टेशन है, जिसे 1896 से शुरू किया गया था। ईस्ट कोस्ट रेलवे खुर्दारुआ डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। इस रेलवे स्टेशन से 6 ट्रेन ऑल ओवर इंडिया ओरिजिनेट होती है और डेली 145 ट्रेन का हॉल्ट होता है इस रेलवे स्टेशन पर। नंबर 9 ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन। दोस्तों ये भी ओडिशा राज्य का ही रेलवे स्टेशन है, जिसे 1896 से शुरू किया गया था। ईस्ट कोस्ट रेलवे खुर्दारुआ डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। इस रेलवे स्टेशन से 4 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और डेली 148 ट्रेन का हॉल्ट होता है। नंबर 8 बालेश्वर रेलवे स्टेशन। दोस्तों ये भी ओडिशा राज्य का ही रेलवे स्टेशन है, जिसे 1896 से शुरू किया गया था। साउथ ईस्टर्न रेलवे खड़गपुर डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 4 प्लेटफॉर्म्स है और डेली 130,000 पैसेंजर्स का मूवमेंट रहती है इस रेलवे स्टेशन पर। इस रेलवे स्टेशन से 8 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और डेली 170 ट्रेन का हॉल्ट होता है। नंबर 7 विजयनगरम जंक्शन। दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य का रेलवे स्टेशन है, जिसे 1900 से शुरू किया गया था। ईस्ट कोस्ट रेलवे वाल्टेर डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 5 प्लेटफॉर्म्स हैं और इस जंक्शन से विजयनगरम खुर्दारोड लाइन, विजयनगरम टिटलागढ़ लाइन और विजयनगरम कोटवालसा लाइन जाती है। इस रेलवे स्टेशन से एक ही ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और डेली 201 ट्रेन का हॉल्ट होता है। नंबर 6 कटक जंक्शन। दोस्तों ये ओडिशा राज्य का रेलवे स्टेशन है, जिसे 1896 से शुरू किया गया था। ईस्ट कोस्ट रेलवे खुर्दारोड डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 5 प्लेटफॉर्म्स है और इस जंक्शन से कटक निरगुंडी लाइन, कटक बारंग लाइन और कटक पारादीप लाइन जाती है। इस रेलवे स्टेशन से 8 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और डेली 198 ट्रेन का हॉल्ट होता है। नंबर 5 खुर्दारोड जंक्शन। दोस्तों ये भी ओडिशा राज्य का ही रेलवे स्टेशन है, जिसे 1897 से शुरू किया गया था। ईस्ट कोस्ट रेलवे खुर्दारोड डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 7 प्लेटफॉर्म्स है और इस जंक्शन से खुर्दा पूरी लाइन, खुर्दा बारंग लाइन, खुर्दा दसपल्ला लाइन और खुर्दा विजयनगरम लाइन जाती है। इस रेलवे स्टेशन से 4 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और डेली 260 ट्रेन का हॉल्ट होता है। नंबर 4 खड़गपुर जंक्शन। दोस्तों ये वेस्ट बंगाल राज्य का रेलवे स्टेशन है, जिसे 1898 से शुरू किया गया था। साउथ ईस्टर्न रेलवे खड़गपुर डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 8 प्लेटफॉर्म्स है और इस जंक्शन से खड़गपुर सांद्रागाछी लाइन, खड़गपुर कटक लाइन, खड़गपुर टाटानगर लाइन और खड़गपुर आद्रा लाइन जाती है। इस रेलवे स्टेशन से 18 ट्रेन ऑल ओवर इंडिया ओरिजिनेट होती है और डेली 277 ट्रेन का हॉल्ट होता है। नंबर 3 भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। दोस्तों ये ओडिशा राज्य की राजधानी का रेलवे स्टेशन है, जिसे 1896 से शुरू किया गया था। इस रेलवे स्टेशन पर काफी पैसेंजर्स ट्रैफिक रहता है। ये एक बिजनेस रेलवे स्टेशन है, ओडिशा राज्य का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ये। ईस्ट कोस्ट रेलवे खुर्दारोड डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है और ये इस डिवीजन का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन पर 6 प्लेटफॉर्म्स हैं। इस रेलवे स्टेशन से 32 ट्रेन ऑल ओवर इंडिया ओरिजिनेट होती है और डेली 252 ट्रेन का हॉल्ट होता है। नंबर 2 विशाखापट्टनम जंक्शन। दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य का रेलवे स्टेशन है, जिसे 1896 से शुरू किया गया था। इस रेलवे स्टेशन को ईस्ट कोस्ट रेलवे वाल्टेर डिवीजन के साथ ऑपरेट करता है। दोस्तों इस रेलवे स्टेशन पर 8 प्लेटफॉर्म्स है और इस जंक्शन से विशाखापट्टनम विजयनगरम लाइन, विशाखापट्टनम किरंदुल लाइन और विशाखापट्टनम विजयवाड़ा लाइन जाती है। इस रेलवे स्टेशन से 54 ट्रेन ऑल ओवर इंडिया ओरिजिनेट होती है और डेली 185 ट्रेन का हॉल्ट होता है। नंबर 1 दोस्तों इस रैंक पर हावड़ा जंक्शन और शालीमार रेलवे स्टेशन है। दोनों रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल राज्य के है। शालीमार रेलवे स्टेशन को 1905 से शुरू किया गया था। साउथ ईस्टर्न रेलवे खड़गपुर डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म्स है और डेली 32 ट्रेन ऑल ओवर इंडिया ओरिजिनेट होती है। दोस्तों शालीमार रेलवे स्टेशन के बारे में मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है महीवाल ठाकुर, इन्होंने एक कमेंट किया था कि शालीमार रेलवे स्टेशन इतना बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, जो कि आपने इसे नंबर 1 के रैंक पर रखे थे लास्ट वीडियो में उन्होंने कहा था। तो मैं दोस्तों उनको बता दूं कि शालीमार रेलवे स्टेशन से ऑल ओवर इंडिया
किया। जी हाँ, सबसे बड़े बड़े रेलवे स्टेशन तक ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और यहाँ पैसेंजर्स ट्रैफिक काफी रहता है। सिर्फ 32 ट्रेन ही ऑरिजिनेट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रेलवे स्टेशन छोटा है और प्लेटफॉर्म्स कम है तो छोटा रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, ये काफी बड़ा रेलवे स्टेशन है और आने वाले समय में काफी बड़ा रेलवे स्टेशन होने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको शालीमार रेलवे स्टेशन कितना बड़ा है ये आप इस वीडियो में समझ चुके हो। हावड़ा जंक्शन को 1854 से शुरू किया गया था। ईस्टर्न रेलवे हावड़ा डिवीजन और साउथ ईस्टर्न रेलवे खड़गपुर डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करते हैं। इस रेलवे स्टेशन पर 23 प्लेटफॉर्म्स है और इस जंक्शन से हावड़ा संतरागच्ची लाइन, हावड़ा बंडेल लाइन और हावड़ा वृद्धमान लाइन जाती है। इस रेलवे स्टेशन से 110 ट्रेन ऑल ओवर इंडिया ऑरिजिनेट होती है और डेली 350 ट्रेन का हॉल्ट होता है और सबर्वन में 1000 से भी ज्यादा ट्रेन का हॉल्ट होता है। तो दोस्तों, ये रही सारी इन्फॉर्मेशन विशाखापट्टनम हावड़ा रेलवे लाइन के टॉप 10 रेलवे स्टेशन की। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और किस रूट पर वीडियो बनाओ उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।